बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में स्टाइल्स रिविंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखें, होम टैब में आपको पैराग्राफ ग्रुप के बाद स्टाइल ग्रुप या स्टाइल रिबिंग्स नजर आएंगी। अब यहां पर आपके पैराग्राफ के लिए बहुत से स्टाइल्स मौजूद हैं, तो हम यहां पर कुछ पैराग्राफ ले आते हैं। ये हम कुछ पैराग्राफ ले आए यहां पर। अब देखें, यहां आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं। अगर हम किसी भी पैराग्राफ पर या लाइन पर या वर्ड पर कोई भी स्टाइल अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उस पैराग्राफ को या उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद आप स्टाइल्स में आएंगे। तो अभी यहां पर ये नॉर्मल पर सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर आप नो स्पेस पर क्लिक करेंगे तो इसके बिटवीन जो भी स्पेस थी लाइन के बिटवीन, वो तमाम स्पेस खत्म हो जाएंगी। ये स्टाइल है यहां पर, ये स्पेसिंग आप यहां से भी खत्म कर सकते थे, लेकिन यहां पर डायरेक्ट आपके पास एक स्टाइल्स रिबन में स्टाइल आपको दिया हुआ है। इसके बाद यहां पर आपके पास ये डिफरेंट स्टाइल है, हेडिंग्स वगैरह के सब टाइटल्स यहां क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास बहुत से स्टाइल्स मौजूद हैं। अब इसमें से आपको जो भी स्टाइल चाहिए उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो स्टाइल यहां पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, बहुत से स्टाइल के साथ साथ आपको हेडिंग वन और हेडिंग टू नजर आ रही है। अब ये हेडिंग वन हेडिंग टू यहां पर क्यों दी हुई है? एक भी हेडिंग दे सकते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेकिन एक से ज्यादा हेडिंग्स यहां पर क्यों दी है इसको समझते हैं। देखें, यहां आपको एक से ज्यादा हेडिंग्स नजर आ रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर चाहता, माइक्रोसॉफ्ट वाले अगर चाहते हो तो यहां पे एक हेडिंग का भी स्टाइल दे सकते थे, लेकिन एक से ज्यादा हेडिंग्स के स्टाइल यहां पर क्यों दिए आइए उसको समझते हैं। हम यहां पर इस पैराग्राफ के ऊपर हम कुछ भी हेडिंग देते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं एमएस वर्ड। ठीक है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यहां पर ये हमने मेन हेडिंग दे दी एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड से रिलेटेड मजीद कुछ हेडिंग्स हैं, यानी कि इसकी सब हेडिंग्स हैं। एमएस वर्ड आपकी मेन हेडिंग और एमएस वर्ड से रिलेटेड यानी कि इसकी सब हेडिंग्स आपने अब देनी है। अब इस पैराग्राफ पे जो हम हेडिंग देने जा रहे हैं वो एमएस वर्ड की सब हेडिंग है। तो यहां पर हमने लिखा क्लिपबोर्ड, इसके बाद ये पैराग्राफ है, यहां पर हमने लिखा फॉन्ट्स। ठीक है, अब देखें यहां पर आपने एक हेडिंग दी और एक हेडिंग आपने ये दी, एमएस वर्ड मेन हेडिंग, ये इसकी सब हेडिंग्स हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहां पर हमने लिखा पाकिस्तान, ये मेन हेडिंग आपकी दोबारा से, फिर इसकी सब हेडिंग, और फिर उसी की दोबारा सब हेडिंग। अब आइए वहां से स्टाइल अप्लाई करवा के आपको दिखाता हूं। देखें, एमएस वर्ड पे गए, यहां पर जो हेडिंग वन का स्टाइल है इस पर मैं हेडिंग वन का स्टाइल क्लिक कर रहा हूं, तो ये क्लिक हो गया। यहां पर अब हमने इसको सिलेक्ट किया, ये क्लिपबोर्ड जो है एमएस वर्ड की सब हेडिंग है, तो अब इस पर आप हेडिंग वन अप्लाई नहीं करवाएंगे बल्कि हेडिंग टू अप्लाई करवाएंगे। उसका साइज इससे थोड़ा कम भी होगा, वो साइज तो हम खैर चेंज कर सकते हैं, लेकिन देखें यहां पर आपके पास चेंजिंग नजर आ गई। इसको सिलेक्ट किया, ये भी आपके पास एमएस वर्ड की सब हेडिंग है, तो इसको भी मैं हेडिंग टू दे रहा हूं। अब आपने एक चीज नोट करी कि जब हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन किया था, ओपन किया था, तो यहाँ पे दो हेडिंग्स आ रही थी, हेडिंग वन हेडिंग टू,
जैसे ही आपने हेडिंग टू को सिलेक्ट किया, हेडिंग थ्री ऑटोमेटिकली आगे आ गई। ठीक है, अभी मैं हेडिंग थ्री पे नहीं जा रहा हूं, हेडिंग वन और हेडिंग टू को समझें। अब यहां पर आए पाकिस्तान पर, ये मेन हेडिंग है, आपने दोबारा यहां पर हेडिंग वन दे दी। कराची, इसकी सब हेडिंग है, आपने टू। इस्लामाबाद भी पाकिस्तान की सब हेडिंग है, आपने हेडिंग टू दे दिया। ठीक है, अब यहां पर ये जो फॉन्ट है, फॉन्ट के बाद वाला जो पैराग्राफ है वो फॉन्ट की सब हेडिंग है, वो फॉन्ट की सब हेडिंग है। जैसे यहां पे हम दे देते हैं बोल। ठीक है, तो अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां से हेडिंग थ्री को मैंने क्लिक कर दिया, तो अब ये इसकी सब हेडिंग हो गई। ये कैसे पता चल रहा है? यहां पे आपको साइज उसका चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, स्टाइल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, और फिर अभी मैं आगे जाके आपको समझा रहा हूं। इसी के साथ साथ यहां पे इस्लामाबाद के बाद ये पैराग्राफ है, यहां पे आपने लिखा लाहौर, और ये लाहौर जो हेडिंग है ये इस्लामाबाद की सब हेडिंग है। आपने इसको सिलेक्ट किया और यहां पर आपने हेडिंग थ्री दे दी। ठीक है, जब आप हेडिंग थ्री यूज कर रहे हैं तो आगे ऑटोमेटिकली हेडिंग के स्टाइल्स बढ़ते जा रहे हैं। अब देखें, यहां पर आया मैं सबसे स्टार्टिंग पे और कंट्रोल इंटर करके मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ले गया, और ये इस ब्लैंक पेज पर दोबारा आया। यहां से मैं रेफरेंसेस पे गया, ये आगे जाके पढ़ेंगे, अभी मैं आपको स्टाइल्स जो दिए हेडिंग्स के उसका डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूं। रेफरेंसेस टैब पर जाएंगे और यहां पे टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन होगा। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखें आप, यहां पर एमएस वर्ड आपकी मेन हेडिंग थी, फिर ये दो हेडिंग्स इसकी सब हेडिंग, बोल्ड जो है वो फॉन्ट्स की सब हेडिंग थी। तो देखिए बिल्कुल तरतीब से ये हेडिंग्स बनती भी आ रही है आपके पास। तो ये स्टाइल एक से ज्यादा हेडिंग्स के इसलिए यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर जो आपके पास स्टाइल्स मौजूद हैं उसमें अगर आपने कोई चेंजिंग करनी है तो आप यहां से चेंजिंग कर सकते हो। क्रिएट स्टाइल पे जाओ, अपना कोई स्टाइल बनाना है, यहां पे आप लिख दें माई स्टाइल, जैसे बाइक वगैरह गाड़ी के पीछे लिखा हुआ होता है माई स्टाइल, तो यहां पे आप लिख दें माई स्टाइल। मॉडिफाई पे गए, यहां पे माई स्टाइल का जो टैब है इसमें आपको हेडिंग कैसी लेनी है, उसका स्टाइल आपने क्या रखना है, फॉन्ट क्या रखने हैं, कलर आपने क्या रखना है, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, अंडरलाइन रखना है, जो भी रखना है वो आप यहां से सिलेक्ट करके ओके कर दें। अब देखें यहां पर आए, मैं अगर इस पैराग्राफ पर ये माई स्टाइल क्लिक करता हूं तो ये आपकी बना हुआ स्टाइल आ गया, तो आप यहां से स्टाइल बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।